हम औरंगजेब की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद है। हम बाबर की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद हैं। हमको ऐसा कहोगे तो सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। ये कौन तो हिंदुस्तान का है जब लहू टपकता जीता से तो बहता खून कुरान का है। गांधी जी अब आके देख लो अपना हिंदुस्तान कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। आप हर जगह हर मस्जिद के नीचे मूर्ति निकलेगी, हमें हर तरह से सहमत है आपसे। अरे बनाओ कितने मंदिर बनाओगे, बनाओ कितने मंदिर बनाओगे आप। नमस्कार मित्रों, हाजिर हूं मैं विधानसभा अपडेट के साथ। यह अच्छी बात है कि विधानसभा में इस बार चर्चा का माहौल है। आज सदन के दूसरे दिन सुबह से ही चर्चा चल रही है। पहले प्रश्नकाल हुआ, प्रश्नकाल में जो मुख्य बिंदु थे कुछ ऐसी बातें थी जिसे मुझे लगा कि आपके सामने रखना चाहिए, मैंने रखा। आपने उसको देखा है, उस वीडियो को सराहा है। और अब मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसमें अल्पसंख्यकों के दर्द का एक आपको झलक मिलेगी। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज क्या सोच रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक रफीक अंसारी मेरठ के विधायक हैं और अपने विवादित बयानों की वजह से भी कई बार चर्चा में रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने जब सदन में बोलना शुरू किया तो उनकी कई बातों से आप इत्तफाक रख सकते हैं। उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के जो दर्द हैं उनको बयान करने की कोशिश की, लेकिन उनके बयान पर सदन में हंगामा मच गया। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनके पूरे बयान को देखिए, हो सकता है कुछ अल्फाज जो उन्होंने कहे वो संसदीय ना हो और वो उसको कार्रवाई से निकाल दिया गया है, लेकिन जो उन्होंने कहा है उसमें बहुत हद तक सच्चाई है। और सदन में शायद इसके बावजूद चर्चा का एक माहौल है। सही कहा सतीश महाना ने, विधानसभा अध्यक्ष ने, ये सदन सबके लिए है और सबको एक अवसर दे रहा है। और ये सतीश महाना को भी क्रेडिट जाता है, ये इस सरकार को भी क्रेडिट जाता है कि इस बार सदन में चर्चा हो रही है और चर्चा के जरिए ही हल निकाले जाते हैं। विधानसभा का यही महत्व है, जहां पर हर समाज के लोग, हर समाज के प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं और उन बात पर चर्चा होती है और उसके बाद कोई समाधान का रास्ता निकाला जाता है। लंबे समय बाद मैं कह रहा हूं कि लंबे समय बाद, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई को बहुत ही करीने से देखता रहा हूं, बहुत ही नजदीक से देखता रहा हूं, और इस लिहाज से मैं कह सकता हूं कि इस बार जो माहौल है वो बेहतर माहौल है और इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बधाई। और आखिर में ये वीडियो, पूरा वीडियो आप देखिए कि किस तरह से विवाद हुआ, उस विवाद को शांत कराने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह की कहासुनी हुई, लेकिन स्पीकर का क्या रोल रहा है, स्पीकर ने किस तरह से माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की, किस तरह से माहौल को संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मेरे साथी बहुत उल्लेख कर रहे थे मुगलों की बात करते हैं, 800 साल पुरानी बात कर रहे हैं, अंग्रेजों को भूल गए, ये अंग्रेजों के मुखबर थे, अंग्रेजों को भूल गए, आजादी किसने दिलाई उस पर बात नहीं करते, ये किसने ये मुल्क आजाद कराया, हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इस मुल्क को आजादी दिलाई, आज शानदार हम जगह बैठे हैं, ये आजाद मुल्क की मेहरबानी है, ये आजाद भारत की देश की बात है, ये काशी मथुरा की बात कर रहे हैं। अरे काशी भी यही है, मथुरा भी यही है, हम भी यही रहेंगे, आप भी यही रहोगे, हमारा सब्र का तुम्हें असर नहीं मालूम, हमारा सब्र तुम्हें खाक में मिला देगा इंशाअल्लाह। ये मुल्क दोनों का मिल्क है, ना हिंदू का ना मुसलमान का, ये हमारा सबका मुल्क है। हमने इस मुल्क को आजाद कराया था, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था, आज इस मुल्क के अंदर हमारा क्या हालात है, अपनी मर्जी से जब ये मुल्क आजाद हो रहा था, जब ये मुल्क आजाद हुआ था, जिस वक्त बंटवारा हुआ था, अपनी मर्जी से हिंदुस्तान को हमने चुना था, अपनी मर्जी से हम हमारे हिंदुस्तान में रहे थे, आज ये हमको गद्दार कहते हैं, आज इस कहते हैं ये मुल्क इनका नहीं है। अरे हमारा मुल्क नहीं है, गिरा दो ताजमहल को, जो अजूबा है,
गिरा दो जो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से बोलते हैं, गिरा दो उसको भी। तुम में हिम्मत हो तो? नहीं है हिम्मत आप में। आप हर जगह हर मस्जिद के नीचे मूर्ति निकलेगी, हमें हर तरह से सहमत है आपसे। अरे बढ़ाओ, कितने मंदिर बनाओगे? बढ़ाओ कितने मंदिर बनाओगे? आप जितने चाहो मंदिर बना दो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। और तुमसे हम पीछे रहने वाले नहीं है दोस्तों। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटी के लोगों का क्या हालात कर दिया आपने? ज्यादातर खोप में जी रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास, यह है सबका साथ सबका विश्वास। आज पूरे देखो जेलों के अंदर माइनॉरिटी के लोग भोले भाले, जिन्होंने इस मुल्क को आजाद कराया, इस मिट्टी में उनका खून है शामिल, आज उनको जेलों में डालने का काम कर रहे हो आप, भूल गए? अरे बड़े बड़े बादशाह इस देश के अंदर दुनिया के अंदर हुए, जालिम हुए हैं। जब जब जुल्म देश के अंदर दुनिया के अंदर बड़ा है, जुल्म फना हुआ है, आप भी फना हो जाओगे, जालिम भी फना होने का काम आपको। गांधी जी अब आके देख लो अपना हिंदुस्तान कैसे कैसे आपके चेले हो गए बेईमान। बंद करो ये खून की होली, बंद करो ये खून की होली, मत मारो फिर गांधी के सीने में गोली। ये खून तो हिंदुस्तान का है, जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। आज इस मुल्क के अंदर आज फिरका परस्ती फैलाने का काम कर रहे हो, जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हो। अरे गीता भी हमारा है, कुरान भी हमारी है, तुम हमारे नहीं हो। तुम आज सब अंग्रेजों के मुख पर थे, आज इस मुल्क के मालिक बन रहे हो, आज बन रहे हो इस मुल्क के मालिक। भूल गए अंग्रेजों को? एक अंग्रेज की बात नहीं करता, मुगलों की बात कर रहे हैं। 800 साल हमारा क्या रिश्ता उन मुगलों से? हमारा रिश्ता है इस हिंदुस्तान से, हमारा रिश्ता है इस भारत से, हमारा रिश्ता है आपसे। आप हमको कुचलने का काम करोगे? आप हमको मारने का काम करोगे? आप हमको, अरे तुमने दम नहीं है हमको मिटाने का? दो चार चाहे जमाने के बावजूद, दो चार चाहे जमाने के बावजूद हम मिट नहीं सकेंगे, मिटाने के बावजूद। आज हमको तुमसे मिट जाएंगे, हम तुमसे मिट जाएंगे, हम तुमसे खत्म हो जाओगे। अरे आप खत्म हो जाओगे? तुम जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर, जुल्म हमेशा खत्म हुआ है, मिटा है। जरा शांति धार करिए, अरे बोलने दीजिए ना, माननीय सदस्य बोलने दीजिए। जिस तरह से आप जुल्म कर रहे हो, ये जुल्म पावन सिंह जी, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे पावन सिंह जी बोलने दीजिए ना, क्या हालात कर रखे? जब ये बोल रहे हैं पावन सिंह जी बोल रहे हैं, जब ये बोल रहे हैं बोल रहे हैं माननीय सदस्य, असंसदीय आचरण नहीं ठीक है, संसदीय भाषा का उपयोग करिए। बैठिए आप लोग, बैठिए बैठिए बोला जी, बैठिए। माननीय सदस्य, असंसदीय भाषा का प्रयोग यहां पर नहीं हो सकता है। आप नहीं, यदि कोई भी असंसदीय शब्द सदस्य ने कहे हैं तो उन्हें कार्यवाही से तत्काल निकाल दिया जाए। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, ये व्यवस्था का प्रश्न है। आज इन लोगों को भी एक शब्द अगर हमारे सदस्य से निकला, जालिम कह दिया, तो सबको मिर्ची लग गई। अभी चंद मिनट पहले एक विधायक, सुन लीजिए, चंद मिनट पहले हमको बाबर की औलाद कहा गया, चंद मिनट पहले हमको औरंगजेब की औलाद कहा गया, चंद मिनट पहले हमको मुगलों की औलाद कहा गया, तब ये चुप कहे बैठे थे। इनको तब संसदीय परंपराओं का ख्याल क्यों नहीं था? तब इन्होंने संसदीय परंपराओं की बात क्यों नहीं की? तब इन्होंने संसदीय परंपराओं की बात क्यों नहीं की? माननीय विस्थापन महोदय, यह नहीं चलेगा, ऐसे नहीं सुन सकते हम बैठने बात को। क्या हमको बाबर की औलाद कहो, मुगलों की औलाद कहो, औरंगजेब की औलाद कहो? सब लोग व्यवस्था बनाएंगे तो सदन ठीक से चलेगा। राकेश जी व्यवस्था बनवाइए, सदन ठीक से चलेगा। माननीय सदस्य,
माननीय सदस्य राकेश जी निश्चित रूप से अभी दिखवाए लेते हैं, इसको मैं दिखवाता हूँ। अरे बैठिए, कृपया व्यवस्था बनाएं। बोलिए बोलिए, आप चलिए, आप अपना पूरा करिए। आप अध्यक्ष जी बैठिए, आप बैठिए। अध्यक्ष जी, मेरे पैमाने में कुछ, उसके पैमाने में कुछ, देख साकी तेरे मैखाने में ना हो जाए। हम सब सबके लिए लागू होता है। हम औरंगजेब की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद। हम बाबर की औलाद नहीं है, अपने बाप की औलाद हैं। हमको ऐसा कहोगे तो सुनने की भी हिम्मत रखिए आप। ये हिम्मत नहीं रख पा रहे हैं। इनके लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होना। अजय जी, अधिजात जी महोदय, उसी पर बोले, तुम भी कहां पे बोले थे भाई? आज पूरे मेरठ के अंदर मैं कहना चाहता हूं, जो एक तरफा कानून हमारे लिए ऐसा पैदा कर दिया है कि माइनॉरिटी के लिए कानून और है और दूसरे लोगों का कानून और है। एक तरफा अध्यक्ष जी देखिए, आप बोले टीपा का बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब ये बोले थे कोई नहीं बोल रहा था, अब ये देख रहे हैं, अब इनके मिर्ची लग रही है ऐसे बोले तो नहीं। अध्यक्ष जी मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विश्वास सबका साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे मैं दूसरी बार तीसरी बार हूं, पांच बार मैं नगर निगम में रहा हूं, तो पहली बार जीत का है, तुम सिखाओगे मुझको? बैठिए, आप जवाब करके बोलिए, बहुत बोलिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य, असंसदीय भाषा का प्रयोग कृपया व्यवस्था बना करके रखें। राजेश जी, माननीय सदस्य व्यवस्था बनाए, राजेश जी व्यवस्था बना के रखिए। राजेश जी बैठिए। प्रकाश जी, माननीय सदस्य कृपया व्यवस्था बना के रखें। माननीय सदस्य, यस लॉबी के माननीय सदस्य कृपया व्यवस्था बनाए, बैठिए। बोला जी बैठिए ना, खंडेलवाल जी माननीय सदस्य, क्या हो गया? देखिए, सदन को चलाना हम सबकी जिम्मेवारी है माननीय सदस्य। डॉक्टर संग्राम सिंह जी, मेरा साथ हो जाए सर, माननीय मंत्री जी बैठे, सब लोग आप लोग बैठिए, आप बैठिए। वेंकटेश्वर सिंह जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? राम नरेश जी, मेरी एक
अध्यक्ष जी की सुन लीजिए, अध्यक्ष जी की, अध्यक्ष जी की सुन लीजिए। एक मिनट, जो भी बात है देखिए, सीट से कहिए, आप सीट से कहिए, यहाँ भी बात सब लोग है जो गहरा सीट पे कहिए। आप बैठिए माननीय मंत्री जी, आप बैठिए, जो भी बात कहने आप अपनी सीट से कहिए, आप अपनी सीट से कहिए, जो बात कहने आप अपनी सीट से कहिए, आप अपनी सीट से कहिए, आप अपनी सीट से कहिए, जो भी बात कहने आप, अरे नहीं आप आप अपनी सीट से कहिए। आप अपनी सीट से बताइए, जो भी बात कहनी है वो कौन बोलेगा? हम बोल रहे, मेरी बात मेरी बात तो जैसा आप बैठ, राकेश जी माननीय सदस्य राकेश जी, बात तो जनता की, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अध्यक्ष जी बैठ जाए तो, अध्यक्ष जी बैठ जाए, आप बोलेंगे बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष पूरी तरह से सदन को चलाने में कोऑपरेट कर रहा है, चलाना भी चाहता है। अभी माननीय किसी सदस्य ने अपने भाषण में इधर हाथ दिखा दिखा के समाजवादी पार्टी का नाम लेके बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, मुगलों के को मानने वाले लोगों जैसे शब्दों का प्रयोग किया। हम लोग चुपचाप सुनते रहे, कहीं व्यवधान नहीं, जितना उनको बोलना था बोल गए। हमारे सदस्य रफीक अंसारी जी खड़े हुए, उनके मुंह से बोलते बोलते इतना केवल निकल गया कि ये जालिम जुल्म करने वाले जालिम लोग भी कभी ना कभी खत्म होंगे। इस पे हाथ दिखाना, चट्ठा दिखाना, बाजुओं की ताकत दिखाना, ये सदन की कहां से मर्यादा है? और मैंने केवल इतना कहा इसमें कि अगर अधिष्ठाता महोदय ने कहा कि इसमें ये जालिम शब्द जो है इसको निकाल दिया जाए कार्रवाई से, तो मैंने कहा कि औरंगजेब की औलाद और बाबर की औलाद भी कार्रवाई से निकाल दिया जाए, उसको भी निकाल दिया जाए। तो ये कहां की परंपरा है? और रफीक जी ने केवल इतना कह दिया कि मैं 5 बार नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूं, 3 बार का विधायक आया हूं, पहली बार जीत के आए हो, हमको आप कानून सिखाओगे, हमको सदन की का तरीका आप बताओगे। चलो कह दिया, कौन सा यहां, चाहे पहली बार जीत के आया हो, चाहे 8वीं बार जीत के आया, सदन में सब सदस्य है, सब बराबर है। रफीक जी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर इतना कह दिया तो इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत थी कि पुट्ठों पे हाथ मारा जाए? अरे दंगल करने आए हो, दंगल में आए हो, कोई दंगल करने आए हो राकेश जी? और अगर सदन में ये मर्यादा भाजपा के विधायक की है, सरकार के विधायक की है, तो बाहर बाहर जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? जनता के साथ कैसा व्यवहार होगा? ये क्षमा मान्य देखिए अपनी बात, अपने ये विधायक, जिस विधायक ने इस तरह से अपने बाजों की ताकत दिखाने का काम किया और अच्छा दिखाने का विपक्ष को काम किया है, पूरे विपक्ष को अपमानित करने का काम किया है, उनको क्षमा मांगना चाहिए, सदन से माफी मांगनी चाहिए। मैं इसमें मैं जो भी कार्रवाई है, जो भी आपने जो बताया माननीय विधायक जी, इसमें जो भी कार्रवाई है मैं उसको दिखवा लूंगा, और जो भी इस प्रकार के शब्द होंगे मैं उनको कार्रवाई से, शब्द तो निकल जाएगा, लेकिन जो वो जो मैं उस समय सदन में नहीं था, मैं एक तो व्यक्त कर देना चाहिए, मैं उस समय सदन में नहीं था, एक तो व्यक्त कर देना चाहिए पहले दिन, दूसरे दिन आप सदन में नहीं। नहीं ये गलत, अगर अगर किसी माननीय सदस्य ने किया तो ये आपत्तिजनक है। एक मैं जरा उसको दिखवा लूंगा, मैं अभी आकर बैठा हूं उस बात को, मैं आपकी बात को मैंने पूरे सम्मान के साथ सुना, आपकी बात जो कही है मैंने उस बोल दिया कि उसको दिखवा हटवा देंगे, किसी भी हालत में हटवा देंगे, किसी भी देखिए माननीय सदस्य सब लोग सुन रहे हैं, ये विधानसभा ना चर्चा परिचर्चा का क्षेत्र, आप अपनी बात कह सकते हैं, आपकी बात कड़वी हो सकती है लेकिन अशिष्ट नहीं हो सकती, ये सभी लोगों के लिए किसी भी, मैं कह रहा हूं नहीं कोई भी बात खराब हो वो खराब है, ये नहीं किसी को भी इंगित करके इस प्रकार की बात, किसी को भी इंगित करके इस बात को कहना उचित नहीं है। एक मैं बुला, मैं एक मिनट बुलाता हूँ माननीय मंत्री जी, आपको बुला, मेरा आग्रह केवल अध्यक्ष जी है आप दिखवा लें, अगर किसी भी तरफ से कोई असंसदीय शब्द हो चाहे इधर से, तो मैंने बोला देखो निकलवा दे, और अगर एक चीज बैठ जाए बस, अगर किसी के एक्शन से, अब क्या समझा किसने उस एक्शन से, क्या समझ नहीं समझा ये मेरी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं भी आगे देख रहा था, मैं पीछे देख नहीं रहा था, लेकिन अगर किसी एक्शन से आपको अगर कुछ दिक्कत हो रही होगी तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। हमारी संसदीय कार्य मंत्री ने खेद व्यक्त कर लिया काफी आगे, तो कौन बोल रहा था आपकी बात हो जाए, अपनी बात, वो जो बात कह रहे हैं आप अपनी बात का जवाब दीजिए, हमारे को बात का जवाब देने का अधिकार है। आपकी बात पूरी होगी रफीक जी,
आपकी बात पूरी होगी। अभी तो 2 मिनट ही बोला था सर मैं। जरा रफीक जी का दिखाइए कितने मिनट बोला था। माननीय सदस्य रफीक जी का दिखाइए। 6 मिनट 38 सेकंड आप बोल चुके, बैठ जाइए। अरे 2 दिन में तो आप झगड़े में चला गया। ये जितना आपने बोला उतना झगड़े वाला झगड़े के खाते में जाएगा, आपके खाते में नहीं जाएगा। झगड़े वाला झगड़े के खाते में जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरी निष्पक्ष पत्रकारिता को समर्थन देना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो नीचे थैंक्स बटन पर जाकर उसको क्लिक करें और मुझे आर्थिक रूप से सहयोग करें। आपकी ताकत हमारी ताकत बढ़ाएगी, हमारी आवाज़ बुलंद करेगी और हम आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। नमस्कार।